السلام علیکم ابھی ہمارا 2018 کا ٹرپ اسٹارٹ ہوا ہے رتی گلی اور کشمیر کا اور انٹیک فیملی ہمارے ساتھ ہے تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے جس پہ ہم کرن پہنچ گئے اپنے ہوٹل پہ اور جو پیچھے کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ لائن آف کنٹرول ہے ایل او سی ہے انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے یہ ہیلو گڈ مارننگ جی ڈے ٹو ہمارا کیرن میں اسٹارٹ ہو گیا یہ دریا نیلم ہے یہ والا اکوپائڈ ایریا ہے انڈیا پاس سے 3 کلو میٹر کا ایریا ہے انڈین فلیگ ہے یہ اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ صحیح نظر نہیں آ رہا یہ انڈیا ہے اور یہ ہم اب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں یہ آپ پاکستانی فلیگ دیکھ سکتے ہیں ہیں اب یہاں سے نکل کے ہم دوباریا جائیں گے پھر وہاں سے رتی گلی ٹریک کریں گے تقریباً 2 گھنٹے کی جیپ ہے اور 1 گھنٹے کا ٹریکنگ ہے
रत्ती गली बेस कैंप। सुबह 8:30 बजे हम चले थे केरन से और 1 घंटे बाद हम पहुँचे दुवारिया। 9:30 बजे दुवारिया से हमने शुरू किया, जीप की थी, तकरीबन 2.5 घंटे का जीप ट्रैक था। ये जी वॉशरूम इस तरह कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। बेस कैंप से हमारी हाइकिंग शुरू हुई है, ट्रैकिंग शुरू हुई है। तकरीबन 12 बजे हमने स्टार्ट किया है। अब देखते हैं आगे का क्या होता है। आखिरकार हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं रत्ती गली के और हाइकिंग पे हैं सारे पैदल चल, और बड़ी मुश्किल में आधे रास्ते में हम रुके हुए हैं थोड़ा सा सांस। ये जो है ना, ये लोग तो काफ़ी थकावट महसूस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आधे में ही ना रह जाएं। ये देखें जी, फजल हूँ जनाब लाहौर से। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हम लोग आ गए हैं पैदल ही, काफ़ी लोग खच्चरों पे आ रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं। हाँ, हमारी ताकत भी कमो बेश खच्चर जितनी है। रत्ती गली के आखिरी पॉइंट पे पहुंच गए। ट्रैक मुश्किल था बट हियर इट इज। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम हियर लाइव फ्रॉम रत्ती गली लेक। हम सब लोग यहाँ पे इस वक्त पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। यू कैन सी बादल ऊपर, देखें कैसे ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ी झील है रत्ती गली, जो ये पाकिस्तान की टॉप हाईएस्ट जो 10 लेक्स है उनमें से एक है, और ये 12,130 फीट की हाइट है इसकी। अमीर इस टाइम हमारे साथ है, और सर आपको कैसा लग रहा है इधर रत्ती गली आके? जबरदस्त एवन पगान साहब, मौसम वगैरह यहाँ पे जबरदस्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है जी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं साथ में? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कैसे है, फिट है, हम आपके साथ साथ हैं। अच्छा, पहुंच गए आखिर, पहुंच गए। कंट्रोल आप नहीं जा सके लेकिन रत्ती गली आ गए। रत्ती गली घोड़े अच्छे मिल गए। आए चले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां, सांझी अपनी खुशियां, और हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारा थर्ड डे ट्रिप का एंड वी आर ऑल गोइंग टू अरंगकेल। सेकंड नाइट हमारा शारदा में स्टे था और ये आप शारदा की खूबसूरती देख सकते हैं। नाउ अब हमारा पोस्टर से एटलीस्ट 2 hours का जो है वो ड्राइव है टुवर्ड्स केल। वहाँ से हम लोग लिफ्ट से एक क्लिफ से दूसरे क्लिफ पे जाएंगे और वहाँ से हाफ टू 45 मिनट्स की ट्रैक। सो लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पे हम रुके हैं, ट्रैफिक बंद हुई है, तो सुनने में आया कि खच्चर और कुछ बकरी के बच्चे नीचे गिरे हैं, ये ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं। ये कैसी जगह है और औरंगकेल जो है? औरंगकेल बहुत अच्छी है। और कितना टाइम लगेगा हमें डोली में और पैदल जाने में? यहाँ से डोली तक आपको लगेंगे 5-7 मिनट। अच्छा, फिर डोली में 2 मिनट लगते हैं। ठीक है, और आगे कितना रास्ता है? आगे कोई 40 मिनट का। मुश्किल रास्ता है या आसान रास्ता है? नहीं, आसान रास्ता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरंगकेल बहुत शदीद बारिश हो रही है यहाँ पे और हाइक थोड़ी सी डिफिकल्ट है और सुना है कि स्लिपरी भी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रैकिंग के दौरान शानी को मिस कर रहे हैं हम। शानी इस ट्रिप पे नहीं आया क्योंकि उसने ऑफिस पे रहना था। बहुत कैप्चर करने वाली चीज़ें हैं। भाई कितना और कितना टाइम लगेगा यहाँ से? यहाँ से आपको 15 मिनट लगेंगे बस। नहीं नहीं, आप दिल्ली स्पीड से आप जा रहे हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। 10-15 मिनट का लगेंगे आपको। मज़ा आया ऊपर? बहुत। हाँ जी, अलहमदिल्ला हम लोग 20 मिनट का ट्रैक करके अभी फाइनली अरंगकेल पहुँच गए और यहाँ पे अभी हमारा स्टे है, नाइट स्टे। यहाँ के जरा आप नज़ारे चेक करें। Thank you.
टॉप हाइट है, जो पीछे पहाड़ है। अगर इस पहाड़ पर आप जाना चाहते हैं, आपको पहले नीचे से आर्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर भी आर्मी बैठी हुई है। तो इस पहाड़ के उस तरफ जो इंडिया है, और इधर हमें 2017 में लास्ट टाइम जो है सुना है कि वहाँ से उन्होंने कुछ फायर वगैरह किए थे या कुछ माल मवेशी जख्मी हो गए थे। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, ये औरंगकेल का वाहिद ट्रक है जो यहाँ पे पहुँचा है, और यहाँ के लोकल से मैंने मालूम किया तो पता लगा है कि ये पार्ट्स में आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आके दोबारा असेंबल हुआ है, और अभी यहाँ पे ये ट्रक चलता है औरंगकेल में। ये वाइट ट्रक है, एक ट्रक है और एक ट्रैक्टर है। अभी इसको चलाने की कोशिश करते हैं। अभी हम बोन फायर कर रहे हैं बाहर, बाकी लड़के बारबेक्यू कर रहे हैं, इसके बाद हमारा यहाँ पे डिनर होगा और सब हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय करेंगे, और लड़के बहुत खुश हैं, और इनकी जो भी ज़रूरत की या जो इनकी एंजॉयमेंट के जो जितने भी आइटम हैं इनको पूरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इधर नाइट स्पेंड का प्लान बनाते हैं, मैंने देखा बॉन फायर करते हैं इधर, मतलब बॉन फायर का। तो अब ये देख रहे हैं कितने सारे एंजॉय, बहुत बड़ा अभी यहाँ पे बहुत बड़ा होगा, जश्न होगा, सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे, डांस होगा। हमारे वहीद साहब लाहौर से हैं, इन्होंने आइडिया दिया था बारबेक्यू का, और बारबेक्यू तकरीबन तैयार होने का, अभी तशरीफ है ऊपर से। सर बहुत मज़ा आ रहा है आपकी जनाब यहाँ पे सरपरस्ती में, यहाँ पे बॉन फायर हो रहा है और वहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा, जंगल में मंगल हो रहा है। सर पश्तो डांस भी होगा? हाँ जी, अरंगकेल में बारबेक्यू हो रहा है, बड़ी मेहनत से हमने सीखे लगाई हैं, उसके बाद अशफाक साहब ऑयलिंग कर रहे हैं। सीखे आपने नहीं लगाई? चलो मान जो कह रहे हैं। खाओ पियो ऐसे करो मित्रो, दिल पर कैसे दादू खायो ना। ये जो बारबेक्यू प्लान था ये हमारे इनिशियल प्लान में शामिल नहीं था, ये रास्ते में हमने आगे जो होटल के मैनेजर को कॉल की और वो केल गया, उसी वक्त उसने उसको मसाला लगा के रखा। ये इसके बाद नॉर्मल डिनर है, लेकिन ये एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, और नजर ये आ रहा है कि इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है यार। खामोशी मगर जादू कर रहा है असर, चुपके चुपके। थैंक यू, ओरे पिया है, ओरे पिया नजरें बोले दुनिया तोले दिल की जुबान। हाय के आलम में निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जीने दे दो, जीने दे दो, हरी बरसात में पीने दो। यार मेरी दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ये हमारा आज का चौथा दिन है डे फोर अरंगकेल में। सनराइज हो रहा है यहाँ से, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आज हम वापस निकलेंगे पिंडी के लिए नॉन स्टॉप। हर गाड़ी पे और हर पेट्रोल पंप पे दो फ्लैग,
एक पाकिस्तान का और एक कश्मीर का। वो इंडिया का झंडा नजर आ रहा, वो रहा। अब फेरे ना कर दो, चलो जी चलो। एरिया का नाम नहीं बताया। अच्छा यार, एक उठ यार।